तालियों से स्वागत डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी। थैंक यू रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन डॉक्टर नीलम सर, रेस्पेक्टेड डायस, माय रेस्पेक्टेड टीचर्स, कलीग्स, स्कॉलर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इट इज एन इमेंस मोमेंट ऑफ प्लेजर फॉर मी दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू द टॉपिक एंटाइटल्ड रोल ऑफ अंश शर्मा इन रिवाइविंग हेल्थ टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ उत्तराखंड आफ्टर 66 2013 66 11 9/11 के हादसे आपको पता होंगे। वैसे ही हमारी सीट के लिए 16/6 एक बहुत बड़ा हादसा था। डियर फ्रेंड्स, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी एंड आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन गायक शिक्षा। Previously, I was also an academic as a lecturer in Kerala, but now I am serving from last 7 years in remote border district of Uttarakhand, that is Pitharagarh, as a medical officer, presently working in Dehradun, working in Himalaya. Was a great experience for me as I identified local flora, fauna, the traditional system of treatment present there and also tried to explore them for my regular blog writings in Delhi Bhaskar Group and Navbhara Times, which was started from the year 2010 and it is to be continued. I am also in the process to complete my dear project with internationally reputed publisher Group Penguin in Pashch Sharma. Himalaya gives me great inspiration for creativity and I was editing, publishing a quarterly health magazine now an international name Ayush Darpan from the year of 2010. Now just I am coming to the topic. Here is a photograph. Look deep into nature and then you will understand everything better. आप इस फोटो को देखिए, आप गहराई से देखिए ये प्रकृति। मैंने इस फोटो को लिया है मुंबई ड्राइविंग के दौरान हाथुला के आगे में जा रहा था। आप इस फोटो को देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ये बहुत कुछ कह रहा है आपको। और इसी के साथ मैंने कोट किया है बहुत बड़े जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट मैंने इसमें लिखा है, लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। आप सब कुछ समझ सकते हैं, ये एक आस्पेक्ट है। और दूसरा आस्पेक्ट आप देखिए, दूसरे दार्शनिक, वन टच ऑफ नेचर मेक्स द होल वर्ल्ड क्लीन। ईश्वर का एक टच आपको बौना बना देता है। दूसरा फोटोग्राफ है जिसमें एक बोल्डर बड़ा सा आ गया है और रास्ते बंद है, नीचे गिरने का खतरा है। तो नेचर का एक एस्पेक्ट आप देख रहे हैं और दूसरा एस्पेक्ट जो किया 16/6/2013 हमारे उत्तराखंड के इतिहास में एक काला दिन जिसमें भगवान के लेकर के सड़के तक नहीं रही। और मुझे इस बात में प्रसून जोशी की एक लिरिक्स याद आती है जो मेरे फेवरेट हैं, मेरा देश छोड़ रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, हमने देखा होगा। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे क्या नुकसान हुआ हमारे स्टेट को, टूरिज्म इंडस्ट्री का क्या सिनेरियो रहा 16/6/2013 के बाद। एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 85% ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री इज बैडली अफेक्टेड बाय द रीसेंट डिजास्टर। रादर देन चारधाम द प्लेसेस लाइक मसूरी एंड नैनीताल विच वाज नॉट अफेक्टेड बाय द डिजास्टर देयर वाज अ स्टीप डिक्लाइन ऑफ 75% टूरिस्ट रेवेन्यू। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी देयर हैज बीन अ शार्प फॉल ऑफ 85% ऑफ इन टूरिज्म बिजनेस इन उत्तराखंड। उत्तराखंड की टूरिज्म बिजनेस में 85% का लॉस हुआ है इस डिजास्टर से। अब मैं आपको एक पाई चार्ट दिखाना चाहता हूँ जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूरिस्ट बाई पर्पस ऑफ विजिट, ये आपको बहुत कुछ बताएगा कि हमारा कितना रोल है टूरिज्म इंडस्ट्री में। बहुत ज़्यादा लोग पिलग्रिमेज और रिलीजियस फंक्शन को अटेंड करने आते हैं, हॉलीडे को भी अटेंड करने के लोग काफ़ी आते हैं,
फ्रेंड्स बिजनेस पर्सन इलेक्ट्रिक और मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए भी लोग आते हैं, एजुकेशन के लिए भी आते हैं, लेकिन जब आप ये जानना चाहेंगे हेल्थ और योगा का कितना परसेंट योगदान है इसमें, मुझे लगता है कि आपके इस परिष्कार के कॉन्फ्रेंस का कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। 1.04% हमारा अपने स्टेट के टूरिज्म इंडस्ट्री में पूरे हेल्थ और योगा का जो योगदान है वो 0.4% है। जो मैंने कह रहा हूँ ये सर्वे रिपोर्ट है जो उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने दी है। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस से कुछ निकाल सकें, अगर कुछ बढ़ा सकें, तभी मुझे लगता है कि इस परिषद के इस कॉन्फ्रेंस का हमारे स्टेट के टूरिज्म को बढ़ाने में कुछ योगदान होगा। मेडिकल टूरिज्म आप जानते हैं, मेडिकल ट्रैवल हेल्थ टूरिज्म ग्लोबल हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता है। ये टर्म है जिसको आजकल ट्रैवलिंग अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स टू ऑब्टेन हेल्थ केयर के लोग इस्तेमाल करते हैं। द सर्विसेज टिपिकली साउथ एंड ट्रैवलर्स इंक्लूडिंग इलेक्टिव प्रोसीजर्स जिसको मैं नहीं जाना चाहूँगा, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, आई सर्जरी, ये सब चीज़ें हमारी नहीं है। इंडिया इज इमर्जिंग एज द बेस्ट मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर द फॉरेन रीजन, स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज, रेप्यूटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नो वेटिंग टाइम फॉर अवेलिंग द मेडिकल सर्विसेज, इंडिया ट्रेडिशनल हेल्थ केयर थेरेपी जहाँ हम आते हैं, आयुर्वेदा योगा कंबाइंड एलोपैथिक ट्रीटमेंट प्रोवाइडर पॉलिसी है। इसे सेंट्रल मिनिस्ट्री भी काम कर रही है मेडिकल हेल्थ टूरिज्म को स्पेसिफिकली प्रमोट करने के लिए। विभिन्न इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को यूज किया गया, वो डेनमार्क, बेल्जियम, आईटी, बर्लिन, इन सब में इसको प्रमोट किया जा रहा है। न्यू कैटेगरी ऑफ मेडिकल वीसा जारी किए जा रहे हैं फॉर टूरिस्ट को इंडिया लगाने के लिए। ब्राउजर सीरीज और ऑफिस की मटेरियल को प्रोवाइड किया जा रहा है प्रमोट करने के लिए मेडिकल हेल्थ टूरिज्म को, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अपने काम कर रही है। इसके अलावा योग, आयुर्वेद, वेलनेस, इन सबको प्रमोट किया जा रहा है। लास्ट टू और थ्री ईयर से फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट आउटडोर मीडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत किया जा रहा है। आपने देखा होगा क्रेडिबल इंडिया कंपनी के लिए। मैं आपको प्रेजेंट सीने को दिखाना चाहूँगा कि टूरिज्म का उत्तराखंड में क्या इस वक्त तो क्या प्रेजेंट सीनेरियो क्या है। टूरिज्म सबसे ज़्यादा जो टूरिज्म चल रहा है वो टूरिज्म बेस्ड ऑन हेल्थ रिसॉर्ट्स है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वो टूरिज्म बेस्ड ऑन योग है, और तीसरे नंबर पे जो आता है वो टूरिज्म बेस्ड ऑन आयुर्वेदा है। टूरिज्म इंडस्ट्री 2016-2013 के बाद का क्या परस्पेक्ट रहा, तो टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 25-30% टू द स्टेट जीडीपी। एक्सपेक्टेशन वाज दैट इट वुड जनरेट 25,000 crores for tourism in 2013-14, but now it may limited up to 5,000 to 8,000 crores. हमारे उत्तराखंड में टूरिज्म को जो आपको जानकारी होगी, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इसको मॉनिटर करता है। इसके अंतर्गत GMVN और KMVN दो यूनिट्स आती हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम। और जो ऑफिशियल वेब पेज है जो इंटरनेशनली टूरिज्म को प्रमोट करता है मेडिकल टूरिज्म के रूप में, अगर आप उसमें देखें तो आयुर्वेद की ये लिंक है, ये वेबसाइट है, जो कि ये वेबसाइट है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड के वेबसाइट की एक होम पेज। अगर आप गौर तौर से देखें तो उस पर आयुर्वेद का एक पेज है और दूसरा पेज बगल में योग का है। ये उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड इस तरह से आयुर्वेद और योग को प्रमोट कर रहा है। और इसी के अंतर्गत गढ़वाल मंडल विकास निगम आता है, मैं इसके होम पेज पे आपको ले जाना चाहूँगा। तो आप इसमें देखिए तो इसके बगल में जो मैंने बड़ा करके दिखाया है, सबसे ऊपर योग है और सबसे नीचे पंचकर्म है। और यदि आप पंचकर्म की साइट पर क्लिक करेंगे तो ये खुलता नहीं है, ये स्थिति यहाँ पे पंचकर्म की है। तो आप कॉन्फ्रेंस शायद मैं कुछ अपनी बात को पहुँचा पाऊँगा कि उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड की गढ़वाल मंडल विकास निगम साइट पे इंटरनेशनली पंचकर्म और योग की स्थिति में है। मैं आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा कुमाऊं मंडल विकास निगम, ये तो मैंने गढ़वाल की बात करी है, कुमाऊं में कुमाऊं की होम पेज में कहीं आयुर्वेद, योग और पंचकर्म का जिक्र नहीं है। मीन्स कुमाऊं मंडल विकास निगम के विजन में आयुर्वेद, योग और पंचकर्म कहीं भी हेल्थ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए नहीं है। मैं सो बता सकता हूँ आपको क्या किया जा सकता है। टूरिज्म बेस्ड मेडिसिनल फ्लोरा, हमारे हिमालय में बहुत सारे मेडिसिनल फ्लोरास और बहुत मेडिसिनल हैं, हम इनको हाईलाइट कर सकते हैं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। रिजुविनेशन थेरेपी के आधार पर हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट फैलिटीज के आधार पर हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
और यदि टूरिज्म की बात की जाए तो ये दोनों ही चीज़ें पंचकर्म पे आकर मिलती हैं। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है उस समय मेडिकल टूरिज्म का? आयुर्वेद डिपार्टमेंट ऑफ आयुष पंचकर्म यूनिट्स है, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल्स में डिस्पेंसरी में चल रही है, करेंगे ट्रेन से दिखाया है मैंने उसको। गढ़वाल मंडल विकास निगम पंचकर्म फैसिलिटीज दे रही हैं, होटल्स में, रिसोर्ट्स में, पीपीपी मोड में चल रही हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम पंचकर्म फैसिलिटीज प्रपोज हैं, अवेलेबल नहीं है, रेड से दिखाया है। इसके अलावा प्राइवेट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल्स होटल्स एंड स्पास और कुछ आयुर्वेदिक क्लिनिक्स इस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा डी प्रोजेक्ट था आयुष ग्राम, इसका विजन था हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय आयुष सिस्टम, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फास्ट वैनिशिंग एक्सटिंक्ट मेडिसिनल प्लांट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन। लेकिन ये सब चीज़ तो थी, लेकिन आप नीचे देखें तो एक सोर्स से मैंने कोट किया है हिंदू से 25th अगस्त 2013, इमामी वांट्स टू पुल आउट ऑफ आयुष ग्राम प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। ये एक सिनेरियो है, क्यों है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। पंचकर्म यूनिट्स इन प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को पंचकर्म यूनिट सेलेक्ट की गई, तो हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन अर्बन एरिया यूनिट्स सेटिस्फैक्टरी रनिंग, डिस्पेंसरी लोकेटेड इन रिमोट हिल एरिया द यूनिट्स आइदर नॉट वर्किंग और पुअरली परफॉर्मिंग। दिस इज द फैक्ट व्हिच आई हैव एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माय 7 इयर्स जॉब इन रिमोट हिल डिस्ट्रिक्ट। How to revive these projects? Make more hassle-free atmosphere for public-private partnerships. This is only the way to revive these projects. The Panchkarma units located in remote hill areas should have basic infrastructure and specialized doctors with supporting staff. Preferably, these units must be centrally located in district headquarters. Like this is the news I have quoted from Dainik Jagran, Jila Chikitsalaya unit khole jaye. ये नहीं कि आप कहीं के नदी के किनारे जो बह जाने का खतरा हो आप पंचकर्म यूनिट खोल दें, आपका विजन ही ना हो खोलने के पीछे कोई। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल्स इन हिल एरिया, लोगों को मालूम ही नहीं है पंचकर्म क्या है, आप अवेयरनेस क्रिएट करें गवर्नमेंट सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से। जो आपको एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है पंचकर्म चिकित्सा में भी होगा, लेकर उपकरणों का प्रयोग नैनीताल 11 फरवरी 2009 की न्यूज है। देखिए आप मैं ग्रेजन कर्म दिखाया, ग्रेजन कर्म फिला रहा हूँ खुले आसमान के नीचे, हम डॉक्टर खड़े हैं, सुडेशन दे रहा हूँ, हॉस्पिटल में नाइट भी दे रहा हूँ, बगल में स्वीपर खड़ा है, स्वीपर मेरे साथ एक्सिस्ट कर रहा है। तो ये स्थिति है रिमोट पंचकर्म यूनिट की। कैसे हम कर सकते हैं कनेक्ट हेल्थ टूरिज्म विद प्रिजन टूरिज्म? बहुत बड़ा हमारे पास ये एक तरीका हो सकता है, चारधाम यात्रा, गंगाराज यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, लोकल नेशनल फेस्टिवल्स होती हैं यहाँ, आदि कैलाश यात्रा होती है, बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स हैं जिनमें से एक रूट मानसरोवर का है जिसका मैंने आपको एक फोटो दिखाया है। यूज ऑफ सोशल एज वेल एज प्रिंट मीडिया, मैंने कहीं नहीं देखा कि हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, कैसे प्रयोग कर रहे हैं, जबकि मुझे इस कॉन्फ्रेंस की जानकारी भी सोशल मीडिया के थ्रू ही मिल गई डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के फेसबुक पेज से हुई। डिस्ट्रिक्ट लेवल रिजुविनेशन सेंटर्स को स्टैब्लिश करना चाहिए, आयुष ग्राम पंचकर्म यूनिट डिटेल्स शुड बी अपलोडेड विद द डिटेल्स ऑफ बेसिक एनालिटिक्स इन सोशल मीडिया टू अट्रैक्ट मोर नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट। The information of the treatment with local medicine hub should be uploaded along with the details of medicine hub present in their region. मैंने लगभग 200 medicinal plants की videos को YouTube पे अपलोड किया है और मुझे दुनिया भर से इसमें लोगों के रिस्पॉन्स आते हैं, तो ये काम किया जा सकता है। इसके साथ ही मैं अपनी एक मैगजीन के बारे में बताना चाहूँगा कि लास्ट 2010 से मैं इसको कंटिन्यूसली निकाल रहा हूँ और लास्ट में मैं अपनी बात को ये जिसको दुनिया भर में लगभग 10,000 से लोग ऊपर फॉलो करते हैं और इससे ज्यादा इसके लाइक करने वाले लोग हैं। थैंक यू, थैंक यू लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आपने आयुर्वेद और पंचकर्म की क्या स्थिति है उत्तराखंड में इसको बखूबी बिल्कुल प्रमाण से प्रस्तुत किया है। अब यह आप सबकी जवाबदारी है कि इसको कैसे बढ़ाएं, कैसे प्रोजेक्ट बढ़ाएं,
तो मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से अपने अपने स्तर पर खासतौर से KP शर्मा जी हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं त्रिपाठी जी आज जो यहाँ देखते रहे हैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं।